लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उनमें से पहला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द बाउंड्री ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तीनों एक सरफेस में होता है, ये पहला लॉ है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। तथा दूसरा लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम हाइजेंस प्रिंसिपल से ये दूसरा लॉ प्रूव करेंगे। इसके लिए हमने एक मिरर अज्यूम किया, ये मिरर है एम एन, ये रहा हमारा मिरर एम एन। दो लाइट रेज, एक तो एक्स ए तथा वाई सी, दो लाइट रेज पैरेलल एक दूसरे के साथ ये एम एन मिरर पे इंसिडेंट करता है। अगर ये दो पैरेलल रेज हैं एक्स ए तथा वाई सी, जैसे कि हमें पता है वेव फ्रंट हमेशा रेज के परपेंडिकुलर होता है, सो एमर्जिंग लाइट रेज के परपेंडिकुलर होगा एमर्जिंग वेव फ्रंट। इसका मतलब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, हमने माना वेव फ्रंट है ए बी, यहां पर ए पी है परपेंडिकुलर एम एन पे, अर्थात ए पी को हम नॉर्मल मानेंगे। ए पी है नॉर्मल किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे ए पी नॉर्मल। यहां देखे एंगल एक्स ए पी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तथा एंगल बी ए सी ये दोनों बराबर होंगे। ऐसा क्यों, चलिए देख लेते हैं। यहां देखे चूंकि वेव फ्रंट लाइट रेज पे परपेंडिकुलर होता है तो एक्स ए रे के साथ लाइट रे के साथ ए बी वेव फ्रंट 90 डिग्री में होगा, तो ये एंगल 90 डिग्री। अब अगर एक्स ए पी एंगल आई है तो हम कहेंगे कि एंगल पी ए बी होगा 90 माइनस आई, 90 डिग्री माइनस आई। ओके, चूंकि ए पी नॉर्मल है एम एन पे तो एंगल पी ए सी ये होगा 90 डिग्री। अगर उस 90 डिग्री से एंगल पी ए बी को घटा दे तो बचेगा कौन, बचेगा एंगल बी ए सी, अर्थात 90 माइनस 90 से अगर हम इस एंगल को 90 माइनस आई को घटाते हैं तो बचता कितना है आई, तो ये एंगल होगा आई, एंगल बी ए सी इक्वल टू आई। सो ये एंगल आई, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में ये ए बी वेब फ्रंट इस एम एन मिरर पे इंसिडेंट किया, इस वेब फ्रंट का कौन सा पार्ट इंसिडेंट किया, पार्ट ए या पॉइंट ए इंसिडेंट किया। हाइजेंस प्रिंसिपल से हमें पता है कि इस वेब फ्रंट का, यहां ये जो वेब फ्रंट है ए बी वेब फ्रंट, इसका हर एक पॉइंट लाइट वेव्स के सोर्स की तरह काम करेगा, अर्थात ए बी हुआ सोर्स और साथ ही साथ ये पॉइंट भी सोर्स की तरह काम करेगा और ये पॉइंट बी भी सोर्स की तरह काम करेगा। अब पॉइंट ए से वेव्स आगे बढ़ेंगे और पॉइंट बी से भी वेव्स आगे बढ़ेंगे। किसी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में, इससे आगे किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में एक वेव फ्रंट पहुंचेगा ए से लेके, यहां पर मान लेते हैं ये वेव फ्रंट है एस एस डैश्ड। ये वेब फ्रंट हम तब कंसीडर कर रहे हैं जब पॉइंट ए से सेकेंडरी वेबलेट इमर्ज करके या जनरेटेड होके एस एस डैश्ड आर्क बनाता है। कब, जब बी पॉइंट से सेकेंडरी वेबलेट्स यहां से इमर्ज करके सी पॉइंट तक पहुंचता है, अर्थात ये कुछ ऐसा वेब फ्रंट बनाता है या वेबलेट्स, बी से वेबलेट निकल के सी पॉइंट तक पहुंचता है।
दूसरे शब्दों में कहे कि जब दो सोर्स पॉइंट ए और पॉइंट बी, बी से भी वेवलेट निकला, ए से भी वेवलेट निकला एक ही पॉइंट ऑफ टाइम में, क्योंकि ए बी एक ही वेब फ्रंट है, तो इनके सारे पॉइंट सोर्स की तरह काम करेंगे। उनमें से पॉइंट ए से निकला वेब फ्रंट एस एस डैश्ड, और पॉइंट बी से जो वेब फ्रंट निकला उतने ही समय में वो सी पॉइंट तक पहुंचा। चूंकि ये एक ही मीडियम में लाइट प्रोपगेट कर रहा है, यहां बी से सी तक लाइट जिस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, यहां अगर मीडियम एयर हुआ, ये मीडियम अगर एयर है, तो अगर लाइट बी से सी तक एयर में ट्रेवल कर रहा है, तो ए से एस एस डैश का वेब फ्रंट बनाने में बीच में इसे जो मीडियम मिला वो मीडियम एयर ही है। हमें पता है कि एक मीडियम में लाइट का स्पीड कांस्टेंट होता है, तो बी से सी तक पहुंचने में लाइट को जितना समय लगा, ए से एस एस डैश तक पहुंचने में भी लाइट को उतना ही समय लगा। सो बी से सी की दूरी और ए से एस एस डैश आर्क बनाने में जो रेडियस रहा इस आर्क का, ये एस एस डैश एक सर्कल का ही पार्ट है, सेकेंडरी वेवलेट सर्कुलर होते हैं, तो इस सर्कल का रेडियस भी उतना ही होगा जितना कि बी सी का लेंथ है। अब बी से वेवलेट्स पहुंचा सी तक, ए से वेवलेट पहुंचा एस एस डैश तक। अब यह सी एक सोर्स की तरह काम करेगा, अर्थात अब यह पॉइंट सी बना सोर्स। सो जैसे ही यह सोर्स बना, यह एक बहुत ही छोटा सा वेवलेट क्रिएट करेगा, अर्थात अगर हम एस एस डैश इस आर्क से हम टेंजेंट खींचते हैं और वो टेंजेंट हम सी पॉइंट के साथ मिला देते हैं, तो ये होगा दोनों सर्कल पे टेंजेंट। तो जब हम उस टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं, हमने माना वो टेंजेंट एस एस डैश को ई पॉइंट पे टच करता है। अब ई सी हो गया वेब फ्रंट। हमें पता है सेकेंडरी वेबलेट्स पे अगर टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं, वो सारे टेंजेंट्स को मिलाने से जो लोकस बनता है वही लोकस होता है वेब फ्रंट, नया वेब फ्रंट या अगला वेब फ्रंट। सो यहां पर ई सी एक वेब फ्रंट है, अर्थात यहां पर हम कह सकते हैं लाइट रेज रिफ्लेक्ट करने से पहले ये वेब फ्रंट बना रहा था ए बी, और ये रिफ्लेक्ट करने के बाद इसका वेब फ्रंट बना सी ई। चूंकि हमें पता है कि वेब फ्रंट परपेंडिकुलर होता है लाइट रेज पे, तो यहां पर अगर हम ए से ई को ज्वाइन करते हैं तो हमें जो स्ट्रेट लाइन मिलेगा वही होगा रिफ्लेक्टेड लाइट रे। क्योंकि अगर ई सी रिफ्लेक्टेड वेब फ्रंट है, तो ए ई जो कि ई सी पे परपेंडिकुलर है, ये ई सी पे परपेंडिकुलर है कौन, ए ई, तो ये ए ई होगा रिफ्लेक्टेड लाइट रे। चूंकि ए एस और ए एस डैश्ड या फिर कहे एस एस डैश्ड आर्क जो है, ये आर्क जिस सर्कल का पार्ट है उसका रेडियस बी सी के लेंथ के बराबर है, हमने थोड़ी देर पहले देखा, तो हम कह सकते हैं चूंकि ए ई भी रेडियस होगा, तो हम कह सकते हैं यहां पर कि ए ई इज इक्वल टू बी सी। अब यहां एक मुद्दा और, यहां अगर देखा जाए तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये आर एंगल ई सी ए के साथ बराबर होगा, ये भी होगा आर। इसे समझने के लिए हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए इस फिगर को न छेड़ते हुए हम एक नया फिगर ड्रॉ करते हैं। ये रहा हमारा ए सी, अगर ये ए सी हुआ, और ये रहा हमारा पॉइंट पी, और ये अगर है ए ई, तो इसी एंगल की बात हो रही थी जो कि आर है, एंगल पी ए ई। मेन फिगर में देखे एंगल पी ए ई कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल जो कि एंगल आर है,
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। हम अगर CE को मिलाते हैं, यहां पर देखे हमने मिलाया CE को, तो यहां पर देखे ये एंगल है 90 डिग्री। अब देखिये चूंकि PAC होगा 90 डिग्री, तो हम इसी एंगल को कह सकते हैं, EAC को कह सकते हैं 90 डिग्री माइनस R। अब देखिए ये एंगल अगर X होता है, यहां पर ट्राइंगल EAC को ले, इस ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री होना है, तो इनके इसके तीन इंटरनल एंगल, एक तो 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, दूसरा एंगल है 90 डिग्री माइनस आर, तथा तीसरा एंगल है एक्स, इन तीनों का जोड़ होगा 180 डिग्री। ध्यान से देखें 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचा माइनस आर प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो। इससे पता चलता है कि आर इज इक्वल टू एक्स, अर्थात हम कह सकते हैं ये जो एंगल है ये होगा आर। मेन फिगर में देखे यहां पर एंगल ई सी ए है आर। अब देखे दो ट्राइंगल हमारे पास, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहला ट्राइंगल है ट्राइंगल ई ए सी, ये रहा हमारा ट्राइंगल ई ए सी। हमारा दूसरा ट्राइंगल है बी ए सी, हमारा दूसरा ट्राइंगल है बी ए सी। मेन फिगर में देखे उन्हीं दो ट्राइंगल्स को यहां पर सेपरेटेड ड्रॉ किया गया, ये है ए सी और ये वर्टेक्स ई, तथा दूसरा ट्राइंगल बी ए सी। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, हमें कंपेयर करना है दोनों को, कंपेयरिंग ट्राइंगल्स, किस किस ट्राइंगल को, ए ई सी और ट्राइंगल ए बी सी। इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम पाते हैं कि ए सी जो भुजा है, ए सी ये कॉमन साइड है, तो ये दोनों में बराबर, ए सी है कॉमन साइड। अब देखिए हमने पहले ही देखा था कि ए ई बराबर बी सी, तो ए ई बराबर बी सी। एंगल ए ई सी और एंगल ए बी सी दोनों बराबर, दोनों 90 डिग्री। एंगल ए ई सी कौन सा एंगल, ये एंगल 90 डिग्री, और एंगल ए बी सी ये दोनों बराबर, क्योंकि दोनों 90 डिग्री का। तो यहां पर देखे ये साइड और ये साइड बराबर, ये साइड और ये साइड बराबर, और ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का। यहां पर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और दोनों का हाइपोटेनस, दोनों ट्राइंगल का हाइपोटेनस जो कि ये साइड है, ये दोनों अगर बराबर हो गए, और साथ ही साथ इसका बेस भी इसके बेस के साथ बराबर, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। सो अतः ट्राइंगल ए ई सी और ट्राइंगल ए बी सी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। हमें पता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट पार्ट बराबर होता है। कॉन्ग्रुएंट पार्ट बराबर होने का मतलब यहां पर देखें, इन दोनों ट्राइंगल्स में नीचे वाले फिगर में देखें, जहां पर एबीसी और एईसी दोनों ट्राइंगल को सेपरेटेड ड्रॉ किया गया, इन दो ट्राइंगल्स में देखें, ये जो एंगल होगा ये इसका कॉन्ग्रुएंट पार्ट होगा ये। सो हम कहेंगे एंगल ए सी ई इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, अर्थात
ये ग्रीन कलर से जो एंगल बना हुआ है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के साथ बराबर। ध्यान से मेन फिगर में देखिए वो दोनों एंगल कौन है, ये है एंगल आर और ये है एंगल आई। सो ए सी ई कौन है, ए सी ई है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एंगल बी ए सी कौन है, एंगल बी है बी ए सी है आई, जो कि बराबर है एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ। सो ये आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का एक लॉ है।